वेलकम बैक टू माई चैनल शशांक एजुकेशनल क्लासेस। माई नेम इज शशांक गुप्ता, बाई प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों आपको, नेशनल इनकम, कंजम्पशन, ये क्या होता है बच्चों आपका डेप्रिसिएशन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है बच्चों, चलिए जी फटाफट निकालना शुरू करेंगे आंसर। मैंने आपको बताया था बच्चों, जो भी निकालना हो आपको क्वेश्चन में निकालना है GDP MP, उसको आप ऐसे आगे पंच करना है GDP MP। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों आपको, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को बोलते हैं आप NNP at FC। पंच करेंगे NNP at FC। अब इस NNP FC को आपको बनाना है GDP MP। सबसे पहले बेटा यहां पे दे रखा था N, यहां दे रखा है D। डोमेस्टिक और नेशनल में केवल फर्क होता है NFIA का। तो N दे रखा है, यहां से आप माइनस कर दें NFIA। जैसे ही आप ये माइनस करेंगे बच्चों, तो आपका जो ये NNP था ये हो जाएगा NDP at FC। अब क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में, यहां पे N है और यहां पे G है। अगर N को G के बराबर करना है, नेट को बनाना है ग्रॉस, तो हमें क्या प्लस करना पड़ता है बेटा, प्लस करना पड़ता है हमें डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप ये पार्ट सॉल्व करेंगे आपका बन जाएगा बेटा ये GDP at Factor Cost। फैक्टर कॉस्ट यहां दिया हुआ है और यहां पे है बच्चों MP। अगर फैक्टर कॉस्ट में और MP में डिफरेंस होता है NIT का, फैक्टर कॉस्ट है तो इसमें क्या कर दें बच्चों, प्लस करने आप NIT और ये क्वेश्चन आपका बेटा खत्म। सिर्फ यही इक्वेशन आपको अच्छे से बना के आनी है। सबसे पहले हमने इस N को G करा, फिर जब N हमारा D हो गया, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा था नेट, इसको ग्रॉस करा, फैक्टर कॉस्ट को बच्चों मैंने क्या करा, फैक्टर कॉस्ट को मैंने करा मार्केट प्राइस। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है NNP at FC 6700। NFIA क्या है बेटा, यहां दे रखा है फ्रॉम, यहां दे रखा है टू, 100 माइनस 150। ठीक है बच्चों, प्लस क्या दे रखा है बेटा, प्लस दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन प्लस 180 प्लस NIT। NIT बच्चों क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। व्हाट इज माय इनडायरेक्ट टैक्स, 130, एंड सब्सिडी कितनी है बच्चों आपकी, चलिए 6700। यहां पे माइनस रहा बेटा, अंदर आया बेटा ये माइनस का, कितना हो गया बेटा प्लस 180 और ये हो गया बेटा प्लस 60। माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, तो ये हो गया बेटा 6700 प्लस का 50, दोनों को प्लस कर दो बेटा, प्लस का 240 करेंगे बेटा 6500, 750 हो गया है, ये हो गया बेटो 69 आंसर बेटा। देखा बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, अगर ये इक्वेशन आपने अच्छे से बना दी, ये इक्वेशन अगर आपने बना दी, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, हमारा ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको ये बना के दिया है। नीचे आपको कैसे बनाना है इसे आप वर्किंग नोट में बना के आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों आपको, इसका फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए जी एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अगर आप करें बेटे कल का क्वेश्चन याद, मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा गया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने आपको कराया था उसमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैसे निकालते हैं। आज निकालना है बच्चों डेप्रिसिएशन। इसमें आप देखिए दो कंटेंट ऑलरेडी दिए होंगे, दो वैल्यूज दी होंगी, आपको उससे निकालना है डेप्रिसिएशन। जैसे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, यहां दे रखा है बच्चों NDP at MP, इनडायरेक्ट टैक्सेस, GNP at FP, NDP दे रखा है,
फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड और सब्सिडीज। अब आपको एक काम करना है बेटे, हम जो डी वाला पार्ट है उसको हम पहले लिखते हैं और लास्ट वाले को लास्ट में लिखते हैं। क्या क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन बेटा मैं यहां लेके चला जाता हूं। चलिए देखिए बेटा आंसर करते हैं इसका। मेरे साथ साथ बेटे कॉपी पेंसिल आप लेके बैठे, अटेम्प्ट करें। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होंगे, वीडियो देख के नहीं सॉल्व होगा। कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ करें आप। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? एनडीपी एट एनपी इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बच्चों? जीएनपी एट एचसी। जो दे रखा है उसको लिख लें, जीएनपी एट एचसी। अब इसको आपको ये बनाना है, इसमें ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। सबसे पहले बेटे दे रखा है, देखो फिर से दिखा रहा हूं बेटा आपको। नेक्स्ट अलग इससे करता हूं जो समझ आया आपको। देखो बेटे क्या क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है बच्चों एन और यहां पे दे रखा है बच्चों डी। डी और एन में क्या फर्क होता है? नेशनल ज्यादा होता है या डोमेस्टिक ज्यादा होता है? नेशनल ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां से आप लोग एनएफआईए क्या कर दो बेटे, एनएफआईए यहां से कर दो एनएफआईए माइनस। जैसे ही आपने एनएफआईए माइनस करा ये बन जाएगा बेटा आपको एन हो जाएगा डी, ये बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। डन है। यहां पे दे रखा है, अब फिर देखो बेटा यहां दे रखा है जी और यहां दे रखा है एन। जी ज्यादा होता है, ग्रॉस ज्यादा होता है कि नेट ज्यादा होता है? ग्रॉस ज्यादा होता है। अगर ग्रॉस ज्यादा होता है आपको बनाना है नेट, माइनस कर दें बच्चों यहां से आप डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप माइनस करेंगे बच्चों ये, तो आपको बन जाएगा बेटा ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये देखो ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आप मुझे बताएं मार्केट प्राइस ज्यादा होता है कि फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होता है? मार्केट प्राइस में होता है बेटा क्या आपका मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, और एफसी में आपको क्या होता है बेटा मनी वैल्यू। एफसी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब इसमें प्लस कर दो बच्चों आप एनआई। जैसे ही आप करेंगे आपका यहां पे चैप्टर बन गया। यही आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। ये इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते जाइए बेटा, पंच करते जाइए। पहले देखिए बेटा एनडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दे रखा है बेटा आपको, गिवन 80,000। ओके जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 75,920 माइनस एनएफआईए। फ्रॉम में से टू माइनस करते हैं, फ्रॉम कितना दे रखा है बच्चों 500, टू कितना दे रखा है बच्चों 700 कर दीजिए माइनस। डेप आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, प्लस एनआईटी क्या दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखा है बच्चों 10,600 और माइनस क्या कर रखा है बेटा 177। जरूरत पड़ेगी बेटा इसमें मुझे कैलकुलेटर की। चलिए ये हुआ बच्चों 80,000, ये हुआ 75,920 माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा आपको, ये हो जाएगा प्लस, प्लस 200 माइनस डेप, और प्लस क्या होगा बेटा 10,600 माइनस 1770 डेट कम्स टू 8830। फिर करेंगे बच्चों 80,000 सारे प्लस कर देंगे बेटे यहाँ पे 75,920 प्लस 200 प्लस 8830 कितना आ गया बेटा ये आपका, ये आ गया आपका 84950 और माइनस क्या हो गया बच्चों आपका डेप। ठीक है जी, डेप मान लेके जाते हैं, डेप इज इक्वल टू 84950 माइनस 80,000। डेप हो गया बेटा इस क्वेश्चन में आपका 4950। क्वेश्चन खत्म बेटे। तो फिर बता रहा हूं बेटा, जब तक इक्वेशन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पे भी क्या बनी बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आपने ये करेक्ट कर दिया तो 100% आपका क्वेश्चन ठीक होगा। कुछ दिक्कत आएगी आपको नीचे कैलकुलेशन करने में, तो इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों आप इस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जितने भी क्वेश्चन करें, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करना है, छह क्वेश्चन लगातार इसकी प्रैक्टिस करें। तो देखिए बेटे, फर्स्ट वाले में देखिए आपका आंसर कितना आया था, 6990 करोड़। इसमें निकाला था मैंने जीडीपी एमपी। इस वाले क्वेश्चन में बेटे क्या करा बेटे, मैंने आपको निकलवाया डेप्रिसिएशन। एक और क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, देखते हैं क्या अब समझ में आ रहा है। छह क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन। चलिए बच्चों फटाफट निकालिए अपने कॉपी किताबें आप और सॉल्व करना शुरू कीजिए। सब्सिडीज जैसे बताया है वैसे ही क्वेश्चन में निकालना है बच्चों आपको। सब्सिडीज क्या क्या दे रखा है बेटा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड फ्रॉम एब्रॉड, एनएनपी एट एफसी और डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्या बताया था बेटा, सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे कोई ऐसी चीज जो डायरेक्ट ना आती हो, जैसे सब्सिडीज, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, डेप्रिसिएशन, तो उस केस में जो दिया हुआ है उसको लिखना है। मैं लिखता हूं बच्चों यहां पे। चलिए जी शुरुआत करता हूं बेटा मैं जीडीपी। ये है मेरी आंसर की। देखिए बेटे क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी। चलो बच्चों अब करके दिखा दो बेटा, दिल मत तोड़ो मेरा। जीडीपी एट एफसी सामने दिया हुआ है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यहां दिया हुआ है एन, यहां दिया हुआ है डी, तो कौन सी जाति को यहां लिख भी देता हूं, यानी जो आपकी नेशनल होगी वो हमेशा ज्यादा किससे मानते हो आप बच्चों, डोमेस्टिक से। ग्रॉस फील्ड बेटा लो हमेशा ज्यादा किससे मानते हो बेटे आप, नेट से। मार्केट प्राइस ज्यादा होती है बेटे फैक्टर कॉस्ट से। लो बेटे साथ साथ लिख दिया आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए जी जीडीपी एट एफसी ये दे रखा है क्वेश्चन है बच्चों, एन दे रखा है डी, क्या ज्यादा होगा बेटे नेशनल। नेशनल अगर ज्यादा होगा तो कम करने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा मुझे, एन एफ आई ए। और जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा बेटा ये एनएनपी बन जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एन दे रखा है यहां पे, यहां दे रखा है जी। एन और जी में से कौन बड़ा होगा बेटा, ग्रॉस बड़ा होता है कि नेट बड़ा होता है, ग्रॉस। नेट क्या है बेटा, छोटी वैल्यू है, तो इसमें प्लस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन। जैसे ही आपने प्लस करा डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस। निकालना है फैक्टर कॉस्ट, एक और लिख लो बेटे, यहां क्या ज्यादा होता है बेटा मार्केट प्राइस के फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, मार्केट प्राइस माइनस क्या कर दो बेटे, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। खत्म बेटा क्वेश्चन। यहां से निकाल दो, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है बेटा, सब्सिडीज। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है बेटा, 55,000 इज इक्वल टू आपको दे रखा है एनएनपी एट एमपी 55,500 माइनस एन एफ आई ए, फ्रॉम में से टू माइनस करेंगे 1300 माइनस 600 प्लस डेप्रिसिएशन 2500 माइनस व्हाट इज एन आई टी, एन आई टी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन 4400 और माइनस क्या कर देंगे बच्चों, ये है मेरी जो मुझे करना है बच्चों कैलकुलेट। ठीक है जी इक्वेशन सॉल्व। देखो बेटे यहां पे काम खत्म हो गया इकोनॉमिक्स का, ये जो कैलकुलेशन है ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या मैथ्स की कैलकुलेशन। ठीक है जी चलिए देखना शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। 55,000 इज इक्वल टू 55,500 माइनस कितना हो गया बच्चों, ये आपका 700 ये माइनस का हो गया बेटे। चलिए प्लस 2500 माइनस 4400। अब देखो बेटा माइनस का ब्रैकेट खुलेगा माइनस का और सब्सिडी क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए यहां का माइनस क्या दे रहा है बच्चों आपको, प्लस बना के दे रहा है। चलिए जी 55,000 इज इक्वल टू, चलिए जी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें, फटाफट करके दिखाइए बेटे। 55,500 माइनस
700 प्लस 2500 माइनस 4400 कितना हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों 52,900 प्लस सब्सिडी। सब्सिडी कितनी होगी बच्चों आपकी, ये होगी बच्चों 55,000 माइनस 52,900, डेट कम्स टू 2100। ठीक है जी, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। थर्ड वाले केस में देखो, फिर बता रहा हूं आपको मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों इसमें, ये है आपकी बच्चों ये कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपको 100% ठीक करनी ही करनी है, चाहे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया तभी भी करेक्ट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन 6 कराया तब भी करेक्ट करनी पड़ेगी, 5 कराया तब भी करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इसमें दिक्कत है तो ये क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बेटा मैं, ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन पहले वो लिखते हैं। आपको दे रखा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज गिवेन 65,000 crore। ओके, फिर आपको दे रखा है कैपिटल स्टॉक, ये दे रखा है बेटा आपको 1,20,000 crore। डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है बच्चों 10% पर एनम। ठीक है जी, और क्या दे रखा है बेटा आपको, दे रखे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दे रखे हैं बच्चों 6,000 crore। और दे रखा है बच्चों आपको सब्सिडीज, ये बच्चों आपको दे रखी है 1,000 crore। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको निकालना है देख लो बेटा कितना खतरनाक क्वेश्चन मार्क बनाया मैंने। तो ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, अटेम्प्ट करता हूं फटाफट में, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जीएनपी एमपी कैपिटल स्टॉक, यानी इतना मेरे पास कैपिटल स्टॉक है, इतनी मेरे पास इसे बोलते हैं बच्चों आप एसेट्स। व्हाट इज कैपिटल स्टॉक, दिस इज माय एसेट्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,000 crore, सब्सिडी 1,000 crore, और आपको निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम। फटाफट करना शुरू कीजिए, और मुझे पता है बेटा आप मुझसे पहले सॉल्व कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का, कल हम शुरू करेंगे इसी को अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसमें पढ़ेंगे नेशनल इनकम के मेथड। लास्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए जी फिर फटाफट खाना खाने जाएंगे हम। चलिए आंसर करेंगे बेटे, आपको क्वेश्चन में निकालना है बेटा नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को बच्चे क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम को बोलते हैं यहां पे NNP at FC। इस क्वेश्चन में हालांकि एक चीज और मिसिंग है, अगर मैं करूं उसको मैं, चलो वो भी दे देता हूं बेटे, मैं एक और चीज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं NFIA इज गिविंग 2000। ठीक है जी, अगर ना दिया हो तो 0 मानते हैं, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं। चलिए जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा नेशनल इनकम, निकालना है मुझे बच्चों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, गिवन क्या है बेटा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटे क्या दिक्कत है, देखना है बेटे, फटाफट नोट करें बेटा क्वेश्चन। चलिए जी, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है एनएनपी एट एफसी और निकालना क्या है जीएनपी एट एमपी, तो इस एनएफआईए की आपको यहां पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी,
तो एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एन दोनों जगह है, कुछ नहीं करना, जी को करना है बेटा एन, तो माइनस क्या करेंगे बच्चों आप, डेप्रिसिएशन। जैसे ही आपने करा ये हो गया बच्चों एनएनपी एट मार्केट प्राइस, डन है। अब एनएनपी और यहां पे दे रखा है एफसी, सब बराबर हो गया, यहां एफसी दे रखा है, यहां एनपी दे रखा है, क्या माइनस करेंगे बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए बेटा क्वेश्चन करिए, जीएनपी एट एमपी कितना दे रखा है बच्चों 65,000 माइनस डेप कितना होगा बेटा, इसका निकालेंगे 10%, 1,20,000 का 10% माइनस एनआईटी कितना होगा बच्चों 6,000 ये हो गया बच्चों 12,000 ये कितना बचता है बेटा, ये हो गया बेटा 40, ये हो गया आपका 40,000 बेटे। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें बेटे, जब तक ये नहीं निकलेगा, दिस इज एडजस्टमेंट पार्ट, तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ये थे बेटे आज के चारों क्वेश्चन, आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, एक बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आप, फिर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है आपकी, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बेटे थैंक यू, टाटा बाय बाय। Thank you.